हे व्हाट्सअप गाइस, तो फ्रेंड्स जहां पर ना मैं बात करने वाला हूं MIUI 11 के पूरे फीचर्स को लेकर जो कि ऑफिशियली हमें देखने को मिल चुके हैं। तो यहां पर मैं डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ये फीचर कैसे होंगे, क्या क्या काम करेंगे, पूरी डिटेल के साथ बात करने वाला हूं हम आज मैं इस वीडियो में। अगर तो यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आपके लिए आए तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। यार मानता हूँ ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो अगर आप बोर ना हो तो इस वीडियो को पूरी भी देखिएगा, और मैं क्योंकि इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो देखने को मिलेगा इसमें जो हमारे आइकन्स हैं उनमें आपको थोड़ा चेंजिंग देखने को मिलेगी, मतलब कि स्मूथ किए गए हैं और थोड़ी सी अपग्रेडेशन हमें देखने को मिली है इसके आइकन्स पर, इम्प्रूव किए गए हैं। और उसके साथ यार हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है MIUI डायनेमिक फॉन्ट सिस्टम देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि यार यहाँ पर आप अपने जो फॉन्ट्स वगैरह हैं उन्हें चेंज कर सकते हैं, मतलब आपका जो डेस्कटॉप है या कह सकते हैं स्क्रीन उससे आप मिनिमाइज या कह सकते हैं हम उन्हें खुद से चेंज कर सकते हैं। आप वहाँ पर फॉन्ट के स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, आई थिंक आप अपने अपने हिसाब से वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं कि भाई आपको वहाँ पर क्या करना है। तो यार यहाँ पर आगे आ जाता है हमारे लिए दी वर्ल्ड फर्स्ट डायनेमिक फॉन्ट सिस्टम। तो यार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे लिए कुछ फॉन्ट्स दिए गए हैं जो कि हम अपने तौर पर इन्हें यूज़ कर पाएंगे अपने फ़ोन में, अगर आप कहीं पर अपने नोट पैड वगैरह को यूज़ करते हैं। और उसके बाद आगे आ जाता है यार हमारे लिए स्क्रीन फुली। तो यार इसको मैं थोड़ा साइड पे करता हूँ, पहले मैं बात कर लेता हूँ दूसरी, क्योंकि यहाँ पर इसे मैं लास्ट में आपके साथ बात करूँगा डिटेल के साथ। तो यार यहाँ पर आपको पता होगा कि यार यहाँ पर हमारी बैटरी जो है उसमें जो हमें देखने को मिलता है टाइम पीरियड देखने को मिलता है, जैसे कि क्लॉक या कुछ ऐसे हमें आइकन्स देखने को मिलेंगे इस MIUI 11 में जो कि अपग्रेड हमारे लिए हो गई हैं। और इसी बारे में लास्ट में भी आपके साथ बात करने वाला था जो कि था स्क्रीन फुली ब्राउन्स। तो यार यहाँ पर आपको डिफरेंट आइकन्स देखने को मिलते हैं, उसके नीचे बैटरी देखने को मिलती है और ये आपको स्क्रीन पर देखने को मिलते हैं खुद ही, अगर तो मतलब आप अपनी फ़ोन को चार्जिंग पर लगा कर रखते हैं या कहीं और, तो यहाँ पर यार आपको ये देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग चार्ज। और उसके बाद आगे आ जाता है द स्क्रीन सिग्नेचर राइट दी पर्सनैलिटी एटीट्यूड। तो यार यहाँ पर आगे आ जाता है कि जो ही ये वही बातें जो मैंने आपको पहले बताई है कि भाई आप अपनी स्क्रीन को मतलब के चेंज कर सकते हो, उसके फ़ोन चेंज कर सकते हो, उसको छोटा मतलब कि कौन सी चीज़ आपने कहाँ करनी है, मतलब कि आप वहाँ पर खुद से रख सकते हो कि कौन सी चीज़ कैसी होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर आप अपने डेस्कटॉप को खुद से बना सकते हो। और उसके साथ आगे आ जाता है ब्रीथिंग लाइट इफेक्ट आ जाता है। यार यहाँ पर ये जो फीचर है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यार यहाँ पर जब भी आपको कोई नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर अगर आपको कोई भी मैसेज आया है या कोई नोटिफिकेशन आया है या कुछ ऐसा, तो आपकी स्क्रीन जो है वो खुद ही यहाँ पर ब्लिंक करेगी और आपको नोटिफिकेशन लाइक एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ है। और उसके बाद यहाँ पर जो अगला आ जाता है वो आता है MIUI डायनेमिक नेचुरल साउंड सिस्टम। तो यार यहाँ पर आपको नेचुरल साउंड सिस्टम या कह सकते हैं आपको थोड़े बहुत देखने को मिल जाएंगे सिस्टम, मतलब कि जो साउंड्स हैं आपके सिस्टम में। और उसके बाद यहाँ पर आगे आ जाता है अगली बात, यहाँ पर यार कुछ सिस्टम तो हमें चलो देखने को मिल जाते हैं। और उसके बाद यार यहाँ पर MIUI वर्क सुइट देखने को मिल जाते हैं हमें, उसके साथ मी गो के एप्लीकेशन को देखने को मिलेंगी, AI फोटो एल्बम देखने को मिलेगा, फैमिली फंक्शंस आपको अलग से मतलब हर चीज़ का अलग से एक एल्बम बना होगा जिसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, या आप कह सकते हैं सेक्शन बना होगा। और उसके साथ यहाँ पर आगे आ जाता है हाई स्पीड फाइल ट्रांसफ़र। यार यहाँ पर आपको फाइल ट्रांसफ़र के लिए भी आपको देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छा, जो कि है हमारे लिए आप देख सकते हैं बहुत ही तेज़ होगा। और यहाँ पर ये फास्टर हाई स्पीड देखने को मिलेगा जो कि रेडमी 6 प्रो में भी देखने को मिलेगा, रेडमी नोट 6 में, रेडमी 6A, यार कुछ डिवाइसेस के आप देख सकते हैं नाम लिखे हुए हैं मगर यहाँ पर ये रेडमी को राइस लिखा हुआ है। और उसके साथ यहाँ पर आगे बता देता हूँ मोबाइल फ़ोन एंड लैपटॉप कैन आल्सो बी इजीली ट्रांसफर टू ईच अदर। यार यहाँ पर हमें जो एक तरह से अगर आप कोई भी लैपटॉप में चाहे अपना डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो ये बासानी आपका चला जाएगा और हाई स्पीड में, और आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करने की नीड नहीं पड़ेगी। और उसके साथ आगे आ जाता है कंप्यूटर लेवल डॉक्यूमेंट सेविंग एक्सपीरियंस। तो यार यहाँ पर आपको पता होगा कि भाई यहाँ पर हम कुछ चीज़ें आती होती हैं PDF फाइल या डॉक फाइल या कुछ ऐसी जो जिन्हें हम खुद से एप्लीकेशन मतलब इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि वेब जो कि हमारा यूज़ करता है व्यूअर PDF फाइल के लिए, या PDF फाइल के कोई अलग ऐप थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करते हो, या उसके साथ अगर आप कुछ ऐसी ऐप्स यूज़ करते हो जिसके लिए आपको PDF ओपन करने की नीड हो, तो यहाँ पर अब हमें ये खुद ही हमारे MIUI 11 में देखने को मिलेगा, तो हमें इंस्टॉल करने की नीड नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर आगे भी यही है कि भाई हमें यहाँ MIUI का प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट व्यूअर देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा डॉक्यूमेंट व्यूअर। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम एक्सेल की फाइल्स वगैरह को ओपन कर सकते हैं जिसमें कि शीट वगैरह बनती हैं, डेट शीट वगैरह,
और उसके बाद यहाँ पर यार आगे आ जाता है हमारे लिए अलमाइटी प्रोजेक्शन स्क्रीन कैन इजली कास्ट, या हम यहाँ पर अपनी मोबाइल की स्क्रीन को कैस्ट कर सकते हैं, या अगर आप गेम खेल रहे हैं किसी LCD पर कर सकते हैं, अगर आप किसी और फ़ोन पर करना चाहते हैं बड़े पर तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो यार ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं बहुत ही, जो कि हमें बहुत ही मदद देने वाली हैं हमारे फ़ोन में। यहाँ पर आगे आ जाता है यूर प्राइवेसी इज़ ओनली वाट यू सी, यार हमें यहाँ पर बेस्ट प्राइवेसी भी देखने को मिलेगी MIUI 11 में, जो कि यार हर बंदा एक्सपेक्ट करता है कि यार एक प्राइवेसी तो हो जो कि अलग तरह से मेरे कंट्रोल में हो, जिससे कि मैं खुद कंट्रोल कर सकूँ। तो यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिल जाएगी। और उसके साथ यार यहाँ पर हमें देखने को मिलती है वायरलेस प्रिंटिंग, यार वायरलेस प्रिंटिंग भी काफ़ी बेस्ट है यार। हम यहाँ पर वायरलेस प्रिंटिंग की मदद से हम अपने जो प्रिंट्स हैं निकलवा सकते हैं एक तरह से मतलब के वाईफाई से ही कनेक्ट करके। तो यार हमें कोई भी केबल वगैरह की नीड नहीं पड़ती, हम अगर कहीं और हैं या कहीं मतलब आउट ऑफ होम हैं या कहीं बाहर हैं, तो यार यहाँ पर अगर हमारे पास केबल वगैरह, जाहिर सी बात है अब हर कोई केबल तो लेकर नहीं साथ घूमता, तो यहाँ पर इस दौरान ये जो है ये बहुत ही काम देता है। और उसके साथ यहाँ पर यार आगे आ जाता है अरेंज एवरीथिंग एवरी डे एंड एवरी थिंग प्रॉपरली। तो यार यहाँ पर आप अपने हर का एक शेड्यूल भी बना सकते हो, हमें ये भी एक देखने को मिलेगा एप्लीकेशन जो कि होगा टू डू लिस्ट, यहाँ पर हम अपनी हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं मतलब के नो टाइम वेस्टिंग। और उसके बाद हमें यहाँ पर देखने को मिलता है समर ट्रैवल पल, यहाँ पर आगे आ जाता है यूर इंटीमिनेट ट्रैवल असिस्टेंट, यार यहाँ पर हमारे लिए ट्रैवल के लिए हमें एक असिस्टेंट सा देखने को मिलेगा जो कि हमारी मतलब जो टाइम वगैरह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें जो वेदर वगैरह है ऐसी चीज़ों को हमें मतलब के बताता रहेगा कि भाई आप किस एरिया में हो या क्या हो, यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अपने बारे में बताता रहेगा कि आप किस एरिया में हो, इसका मतलब इस एरिया का नंबर क्या है, या इस यहाँ पर कोई हेड ऑफिस सामने है या कुछ ऐसी कौन सी हिस्टोरिकल जगह है, ऐसी चीज़ें हमें ये गाइड करता रहेगा। तो यार उसके बाद यहाँ पर आगे आ जाता है वन क्लिक ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन मशीन 5% पावर अगेन फॉर आर होल डिस्प्ले। तो यार यहाँ पर यही बात है कि हमें अल्ट्रा सुपर पावर सेविंग मोड देखने को मिल जाता है जो कि हमारी जो बैकग्राउंड में जो फाइल्स चल रही हो उन्हें बंद कर देता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी बेस्ट है, जो कि हमें नीड नहीं है, जिस एप्लीकेशन की वो बंद हो जाए तो फिर क्या मज़ा है। तो यहाँ पर यार बहुत ही अच्छे फीचर देखने को मिले हैं MIUI 11 में, बस थोड़ा सा वेट कर लो अपडेट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आगे आ जाता है टाइम एल्बम, तो यार यहाँ पर हम अपनी मेमोरीज़ को या कह सकते हैं कि अच्छी मेमोरीज़ या बुरी मेमोरीज या जो भी हो, हम अपनी पिक्चर को या अपने टाइम किस टाइम में हमने कौन सी पिक्चर ली, किस टाइम में हम अपनी फैमिली के साथ थे, फ्रेंड्स के साथ थे, अगर आप इसको कोई एल्बम बनाना चाहते हो तो ये खुद ब खुद हमें एक एप्लीकेशन देखने को मिलती है जो को है टाइम एल्बम। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें खुद ब खुद मैनेज करती है, हमें यहाँ पर कोई भी चीज़ मैनेज करने की नीड नहीं पड़ती। तो यहाँ पर यार ये भी काफ़ी बेस्ट लगा मेरे को। और उसके बाद यार हमें अपनी अगर हम अपनी पिक्चर में कुछ एडिट वगैरह करते हैं तो यार यहाँ पर हमें ये खुद ही देखने को मिल जाता है, मतलब कि यहाँ पर हमें अपनी ही पिक्चर के कुछ फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं इसी फ़ोन में कुछ नए, जिससे यार हमें कोई भी अगर आप एक सिंपल सा फिल्टर लगाना चाहते हो तो आपको कोई भी और एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की नहीं पड़ेगी नहीं। और यहाँ पर आगे आ जाता है फैमिली गार्ड, या यहाँ पर आप यह फैमिली गार्ड एक तरह से मैं यही कहना चाहूँगा कि यार ये जो है ये डिजिटल वेलबिंग की तरह थोड़ा सा काम करता है, मतलब कि आपके फ़ोन को थोड़ा सा गाइड करता है कि यार आपने क्या करना है क्या नहीं, इस बारे में आपको थोड़ा सा गाइड करता रहता है। और उसके साथ यार यहाँ पर हमें देखने को मिलता है चिल्ड्रन स्पेस, या यहाँ पर चिल्ड्रन स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो यार यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन देखने को मिलती है, या मैं यही कहना चाहूँगा इसे, जिसमें कि जो बच्चे हैं वो खुद की मतलब जो गेम्स होती हैं जो चिल्ड्रंस गेम होती हैं उन्हें यूज़ करेंगे अपने, बस एक ही फ़ोन में इतने सारे जब काम हो रहे हों तो यार फिर मी को तो कुछ तो करना होगा। और उसके बाद आगे आ जाता है स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट, यार ये भी एक डिजिटल वेलबिंग की ही ब्रांच कहना चाहूँगा मैं, ये कैटेगरी कहना चाहूँगा, जिसमें कि हमारे जो फ़ोन है उसको थोड़ा सा मैनेज किया जाता है उसकी बैटरी को लेकर, मोबाइल डेटा को लेकर, वाईफाई को लेकर, बैकग्राउंड एप्लीकेशंस को लेकर, यार यहाँ पर छोटी भी जो मतलब जो चीज़ें हैं जो हम भूल जाते हैं अक्सर, इन्हें ही मैनेज करने के लिए यार हमें एक नीड पड़ती है, जो कि इस बारे में MIUI जो है उसने काफ़ी बेस्ट किया है ये काम। यार यहाँ पर मैं देखता हूँ कि भाई हमें यहाँ पर एक तरह से जो है वीडियो लंबी हो रही है, मगर यहाँ पर इन्फॉर्मेशन यार पूरी मैं देना चाह रहा हूँ आपको। उसके बाद आपको देखने को मिलता है अर्थक्वेक वार्निंग, यार अगर यहाँ पर आपके कोई कहीं भी अर्थक्वेक का कोई मसला होता है तो यार यहाँ पर आपका फ़ोन जो है वो खुद ब खुद आपको थोड़ा सा अलर्ट कर देता है कि यार यहाँ पर अर्थक्वेक हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पर SOS एमरजेंसी मोड में देखने को मिलता है, जाहिर सी बात है हमारे पास पहले भी था अब भी है मगर थोड़ा सा अपग्रेड हुआ हमें मिलेगा। उसके बाद हमें मोर में आ जाता है लुकिंग डाउन मोर न्यू चेंजेस, यार यहाँ पर हमें थोड़े बहुत चेंजेस और भी देखने को मिलेंगे, मतलब कि थीम मैनेजमेंट में कोई अपडेट होगा,
फिंगरप्रिंट अपग्रेड देखने को मिलेगा, सिक्योरिटी अपग्रेड देखने को मिलेगी, टाइम के जो एप्लीकेशन है उन्हें अपग्रेड किया जाएगा, आइकन जो हैं वो तो मैंने आपको बता दिए वो अपग्रेड होंगे। तो यार यहाँ पर सिर्फ ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये बहुत बड़ा हमारे लिए हमारे फ़ोन में चेंजेस लेकर आती हैं। तो यार फिलहाल इस वीडियो को मैं अब एंडिंग करना चाहूँगा। अगर तो आपको ये फीचर समझ आए हैं और अगर आपको ये फीचर अच्छे लगे हैं तो यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी है और ये फीचर आपको कैसे लगे। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।